हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देखने वाले हैं आज के इस क्लास में सीसेट के बारे में या फिर रीजनिंग की क्लास हम लोग देखेंगे। इस रीजनिंग की क्लास में हम लोग बेसिकली आज देखेंगे सीरीज के बारे में, क्या कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके बारे में कैसे सॉल्व करना है। स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा जो लोग भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन करते हैं, दे कैन यूज दीज कोर्सेज प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अवर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन और डिस्कशन में आज हम लोग देखने वाले हैं सीरीज के बारे में। सीरीज के बारे में देखेंगे तो देखिये हमारे पास लगभग 6 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं सीरीज में। एक होता है जिसको नंबर सीरीज बोलते हैं, दूसरी अल्फाबेट सीरीज होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मिक्स सीरीज, लेटर सीरीज एंड करस्पॉन्डेंट सीरीज होती है हमारे इस सीसेट में या फिर हमारे इस रीजनिंग में। नंबर सीरीज के बारे में बात करें अगर तो देखिए यहां पर कुछ तरीके होते हैं सॉल्व करने के, जिसको जुगाड़ पानी बोला जाता है। अब ये सीरीज हमारे कैसे हो जाते हैं, जैसे असेंडिंग होगी या डिसेंडिंग होगी या कुछ ऑसिलेटिंग होगी, मतलब यहां पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एपी हो गया, जीपी हो गया, ये हमें करना होगा या फिर कुछ हमें कह लीजिए कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखना होगा कि क्या कुछ हम लोग लगा सकते हैं अपने इस क्वेश्चन में। तो यहां पर बेसिकली टोटली आपको प्रैक्टिस की बात है, जितना आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतने अच्छे से और उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए हमारी क्वेश्चन है जहां पर लिखा हुआ है सीरीज हमारी एक है 4, 6, 9, 12, 13। तो अगर देखेंगे आप तो चार में जब आप दो जोड़ेंगे, टू ऐड करेंगे, सिक्स हो जाएगा। यहां पर जब तीन ऐड कर देंगे, यहां पर जब फोर ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि एक पैटर्न है। टू फिर थ्री फिर फोर, फिर यहां पर अगर आप फाइव जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 18 और इस तरीके से हमारे पैटर्न के हिसाब से आंसर इसका बी आ जाएगा। देखिए इस वीडियो सीरीज का ज्यादा फायदा आपको तब मिलेगा जब आप क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए, उसके बाद खुद से सॉल्व करिए और इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर टू के बारे में बात करिए, अगेन पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर यहां पर आंसर मैच करिए। तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या है, यहां पर देखिए 64 है, 64 का देखिए हाफ किया गया 32 हो गया, 32 का हाफ किया गया 16 हो गया, इसका हाफ किया गया 8 हो गया, हाफ कर दीजिए 4 हो गया, काम खत्म, एज सिंपल एज दैट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगेन 4, 9, 16, 25। अब यहां पर जब आप देखेंगे तो देखिए हो क्या रहा है, यहां पर एक तो ऑप्शन है कि अगेन जोड़ घटाना वाला कर सकते हैं आप। जोड़ घटाने में कैसे करेंगे, जोड़ घटाने में देखिए यहां पर ये यह 5 है, फिर यहां पर जब आप चेक करेंगे तो ये 7 है, 7 जोड़ देंगे, फिर यहां पर देखिए 9 ऐड करने पे आ जा रही है, फिर इसके बाद अब देखिए हमारा एक पैटर्न मिल गया 5 + 2 7 + 2 9, अब 11 जब जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 36। तो इस तरीके से एक पैटर्न आ गई, एक तो ये पैटर्न है। दूसरी पैटर्न देखिए सिमिलरली आपको मिल जाएगा, जैसे 36 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पैटर्न देखिए, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया, इसी तरीके से 6 का स्क्वायर 36 अगेन। तो हमारे दोनों ही रीजनिंग के कारण, दोनों ही रीजनिंग से हमारे सेम आंसर निकल के आ रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ढूंढना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या तरीके हम अपना सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। फटाफट देखते हैं इसमें क्या चीज हो सकती है। तो देखिए 2 में जब आप 4 जोड़ेंगे 6 बन जाएगा, 6 में जब आप 6 जोड़ेंगे 12 बन जाएगा, 8 जोड़ दीजिए 20, 10 जोड़ दीजिए 30, 12 फिर उसके बाद 14। तो हमें एक देखिए पैटर्न दिख गया कि 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 16 जोड़ लीजिए 2 और, तो क्या बन जाएगा 72। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी 72, क्लियर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक आप लगा रहे होंगे और इस तरीके से आप चीजों को कर रहे होंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 फिर 87। अब देखिए ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पर आपको बीच में कोई ब्लैंक दे देता है। अब जब बीच में ब्लैंक देता है तो वहां पर देखिए क्या क्या चीजें की जा सकती है। अगेन जरा यहां पर देखिए 79 87 ब्लैंक है, 89 83। अब देखिए जहां पर ब्लैंक होता है, अगर मैं कहूंगा थ्योरेटिकल तरीके से करने को, तो वो तो हो गया कि आप x इसको मानेंगे, फिर उसके बाद से इसके बीच का देखेंगे क्या डिफरेंस है, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा कितने का, 8 का + 8 का। यहां पर आपको डिफरेंस मिल जाएगा कितने का, -6 का। तो आपको इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऐसा क्रिएट करना है कि इस तरीके की चीजें आ जाए। अब देखिए इस तरीके की चीजें कब आ सकती है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, पता नहीं क्या सीन हो रहा है, तो यहां पर हमें कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है।
तो जब आइडिया ना लगे तो उसका एक ऑप्शन होता है जुगाड़ करना। अब ये जुगाड़ कैसे करेंगे आप, जुगाड़ करेंगे जो ऑप्शंस है उसको आप वन बाय वन करके इसमें पुट करना शुरू कर देंगे और देखेंगे कि क्या कोई रिजेंबलेंस निकल के आ रही है या क्या कोई पैटर्न निकल के आ रहा है। तो पहले ऑप्शन नंबर ए रखते हैं फटाफट, 80 रखेंगे तो आपको क्या मिल गया, यहां पर आपको मिल जाएगा 87 से 80 यानी कि -7 हो रहा है। फिर उसके बाद से जब आगे बढ़ेंगे 89 तो यहां पर आपको मिलेगा +9। तो अब क्या कोई पैटर्न मिला, +8 फिर -7 +9 -6, तो एक रिजेंबलेंस मिल तो रही है कि यहां पर 8 हो रहा है फिर -7 हो रहा है +9 हो रहा है फिर -6 हो रही है कि यहां से एक इसमें ऐड होते आ रही है और यहां पर एक इसमें घटते जा रहा है या फिर कह लीजिए इसमें भी एक ऐड होते आ रही है। हाँ तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये आंसर हो सकता है, इसको हम लोग साइड रखेंगे। दूसरी देखिए 82 अगर पुट करते हैं, यहां पर हमने 82 रख दिया, 82 रखने से क्या हुआ कि हमारा जो यहां पर 87 था अब ये -5 में बदल गया, 82 से ये बन गया हमारा +7 में। तो क्या कोई रिजेंबलेंस है क्या, +8 -5 +7 -6, तो ये क्या हुआ है यहां पर एक एक घटते आ रही है यहां पर एक एक बढ़ते आ रही है। तो ये भी कुछ खास देखिए ऐसा नहीं कहेंगे कि ये कोई पैटर्न है। 81 पे आ जाइए, 81 पे जब आप आ जाएंगे तो क्या होगा कि +8 यहां पर आ जाएगी -6, फिर यहां पर क्या है 89 तो यहां पर आ जाएगी +8 -6, तो हो क्या रहा है +8 -6 +8 -6। ये देखिए एक ऐसा पैटर्न है जिसको आप बोलेंगे कि हाँ दिस इज द यूनिफॉर्म पैटर्न, ये बिल्कुल सही पैटर्न है जहां पर वही नंबर बार बार रिपीट होते जा रहा है। तो आप अमंग दिस आंसर्स आप बोलेंगे कि बी ऑप्शन मोर करेक्ट है क्योंकि यहां पर एक ऐसा पैटर्न हमें मिला है जिसके बारे में आप फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि यही एक सही पैटर्न दे रहा है। यहां पर देखिए हो सकता है कि ये तो सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर में कभी नहीं आपको कंफर्मेशन मिलेगा जब आप तीसरे नंबर जब तक ना आ जाए, तो जब तक तीसरे नंबर पे आप नहीं आएंगे तब तक आपको इस तरीके का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में बेसिकली ढूंढिए क्या कोई इस तरीके का यूनिफॉर्म पैटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 81। क्लियर, आगे बात करते हैं। आगे देखिए 37 41, फिर ब्लैंक है, फिर 47 53। पॉज करिए, इसके बाद से आप अपना दिमाग लगाइए क्या चीज हो सकती है। तो अब देखिए क्या चीज है, 37 फिर 41 फिर ब्लैंक है फिर 47 फिर 53 है। मैंने बोला कि आपको जो भी मिलना चाहिए पैटर्न वो यूनिफॉर्म पैटर्न मिलना चाहिए, मतलब कि चीजें एकदम क्लियर रहे। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, +4 ऐड हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर यहां पर क्या हो रही है कि +6 ऐड हो रही है। ठीक है, अब मैं वन बाई वन करके यहां पर आंसर्स को पुट करना शुरू करूंगा। अब आंसर्स को जब आप पुट करेंगे तो फिर क्या है, यहां पर देखिए x मान लेते हैं, x मानने के बाद आपको क्या है कि सपोज 42 रखेंगे तो ये क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है, यहां पर क्या है +5 मिल रहा है, नो रिजेंबलेंस, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद 46 जब आप रखेंगे तो आपको क्या मिला, 41 से +5 मिला। इसके बाद आगे 47 +1 मिल रहा है, कोई रिजेंबलेंस नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, बकवास है एकदम। 43 पुट करते हैं, 43 जब आप पुट करेंगे +2 आ रहा है, फिर आगे 47 है तो 40 +4 आ रही है, तो 4 2 4 6 गलत हो गया। अगर ये +2 रहता तब मजा आ जाता, तो यानी ये भी नहीं हो सकता है। अब 44 पे आ जाइए तो यहां पर +4, अब यहां पे 41 से 44 +3 आ जाएगा, 44 से 47 ये आपको +3 मिल जाएगा, तो 4 + 3 + 3 + 6 तो ये भी कोई पैटर्न नहीं है, तब इसका क्या आंसर कोई नहीं है। अब जरा देखिए ये तो हमारा जुगाड़ हो गया गड़बड़, ये हमारा पैटर्न नहीं मिल पाया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ध्यान से देखना पड़ेगा वापस से सीरीज। जब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहां पर 37 फिर 41 फिर 47 फिर 53, देख करके आपको लगेगा कि यहां पर तो कुछ घपला है। घपला ये है कि ये सारी की सारी प्राइम नंबर्स हैं, और जब प्राइम नंबर्स हैं और वो भी सारी सीक्वेंस में है, कंसेक्यूटिव है, मतलब 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53 सीधे आ जाती है। तो यानी इसका आंसर बेसिकली कोई सीरीज, कोई भी यहां पर अर्थमेटिक, कोई भी यहां पर जुगाड़ पानी नहीं करना है, आपको बस पहचानना था कि ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, तो आंसर क्या हो जाएगी इसकी, बी। क्लियर हो गया, तो आपको सारे ऑपरेशंस करके देखने हैं कि क्या चीज है। शुरुआत में आपको टाइम लगेगा, बाद में आपको अपने आप समझ में आने लगेगी चीजें क्या चीज है। आप अपने आंसर, जो भी आंसर आपका निकल के आता है, हमेशा उस आंसर के पीछे एक लॉजिक रखना चाहिए, ये नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है, लॉजिक रखना है और वो लॉजिक यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ गया है तो दूसरे जगह नहीं बैठ रहा है, आपको यूनिफॉर्म लॉजिक रखना होगा। क्लियर, चलिए खैर आगे देखिए क्वेश्चन। यहां पर देखिए 31 21 34 फिर 89 फिर
उसके बाद से 144 है। अब ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें भी क्या है, बीच वाला गैप है। अब यहाँ पर देखिए, फिर ब्लैंक है, फिर 89 है, फिर 144 है। अगेन यहाँ पर जब आप ऑप्शन पुट करेंगे, यहाँ पर जैसे 43 पुट कर लीजिए, 64 पुट कर लीजिए, 55 पुट कर लीजिए, 71 पुट कर लीजिए, तो अब इससे क्या है कि यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यह हमारे पास चार ऑप्शंस हर जगह हैं, मतलब चार हमें पैटर्न को देखना है। अब जरा फटाफट पैटर्न को देखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 34 माइनस 21 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगी। यहाँ पर भी 13 लिख लेते हैं, 13, यहाँ पर भी 13 लिख लेते हैं, 13 लिख लेते हैं। 144 में से जब 89 माइनस करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा 55 लिख लेते हैं। इन सब जगहों पे मैंने 55 लिख लिया। अब देखिए, 34 में से जब 43 को आप जब घटाएंगे तो आपको निकल के आ जाएगा 9, तो यहां पर आ गया 9। और यहां पर 89 में से जब 43 माइनस करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा 46। तो यहां पर देखिए, 13, फिर 9, फिर 46, फिर 55, कोई पैटर्न नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, और जब आप आगे देखेंगे तो 64 में से जब आप 34 को माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा 20। यहां पर जब आप चेक करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 25। तो ये 13, फिर 20, फिर 25, फिर 55, अगेन कोई यहां पर पैटर्न नहीं है, ये भी नहीं पॉसिबल है। फिर 55 में जब आप चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 में से 34 को घटाइए, यहां से आ गया आपका 21। ये देखिए, यहां पर बाय मिस्टेक यहां पर 20 लिख दिया था मैंने, 30 होगा। 13, फिर 30, फिर 25, फिर 55, अगेन यहां पर देखिए कोई पैटर्न नहीं है। यहां पर जब आप चेक करेंगे तो 21, अगेन यहां पर जब आप आ जाएंगे कितना निकल के आ जाएगा, दिस इज 24। तो यहां पर क्या है, कोई पैटर्न अगेन हमें नहीं मिल पा रहा है। सिमिलरली जब आप यहां पर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 71 माइनस 34, ये हो गया 37। और जब आप आगे चेक करेंगे, 89 में से जब 71 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18। तो यहां पर भी देखिए, आपको कोई रिजेंबलेंस नहीं मिल पा रही है, तो आप क्या करें, ये तो हमारा जुगाड़ गड़बड़ हो गया, आंसर नहीं दे रहा है। अब जरा फिर से ध्यान से देखिए, 21, फिर 34, फिर 89, फिर 144। अगर मान लेते हैं कि यहां पर 43 को सपोज रखते हैं, ठीक है, 43 को अगर रखते हैं और 34 में 21 जब आप जोड़ेंगे, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वैल्यू दे देगा 55 दे देगा 55। यानी 21 में जब 34 को जोड़ रहे हैं, 21 में जब इसको जोड़ रहे हैं तो दे रहा है 55, 55 में जब 34 को हम जोड़ रहे हैं तो 89 दे रहा है, 89 और 55 को जब ऐड कर रहे हैं तो 144 दे रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, पिछले दोनों नंबर को जोड़ने के बाद नया नंबर मिल जा रहा है और वही हमारा सॉल्यूशन बन जा रहा है। तो आपको एक तीसरा ऑप्शन इस तरीके का भी देखने को मिलेगा, जहां पर जो भी नया नंबर है उसको पहले के दोनों को ऐड करने के बाद हमें आंसर दे दे रहा होगा। तो अगेन देखिए, प्रैक्टिस की बात है, आपको इस तरीके की चीजें हमेशा प्रैक्टिस में रखनी होंगी, सोचना पड़ेगा कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 55, देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से है, जहां पर 3, 8 एंड ऑल दैट, इन तरह की चीजें हैं। अब यहां पर जरा देखने की कोशिश करते हैं क्या है, तो 3 है, फिर 8 है, फिर 15 है, फिर 24 है, फिर 34 है, फिर 48 है, फिर 63 है। अब यहां पर जब आप देखेंगे तो 3, 3, इन दोनों में क्या है, 5 का अंतर है, फिर इन दोनों में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, फिर इन दोनों में जब आप चेक करेंगे तो 9 का अंतर है, फिर यहां पर चेक करेंगे 10 का अंतर है। तो यहां पर अगेन देखिए काम गड़बड़ हो गया, तो अभी तक बढ़िया लग रहा था कि 5, 7, 9, लेकिन यहीं पर 10 आ गया, तो ये काम गड़बड़ हो गया, यानी कि हमारा जो पहला जुगाड़ था वो गलत हो गया, उसमें आप नहीं काम कर पाएंगे। दूसरा जुगाड़ चेक करते हैं, दूसरा जुगाड़ क्या है, इन दोनों को ऐड करने के बाद तीसरा नंबर आना चाहिए, तो 8, 3, 11, एक्चुअल में 15 है, काम नहीं बना यहां पर भी। 15, 8 यहां पर जब आप चेक करेंगे तो यहां पर तो चलिए ठीक है 23 आ रहा है, ये भी काम नहीं बन रहा है, यानी दूसरा जुगाड़ भी हमारा फेल हो गया। अब जरा फिर से ध्यान से देखिए, यहां पर हो क्या रहा है, 4 में से 1 घटाया है आपने, 3 निकल गया, 9 में से 1 घटाया है तो आपको 8 मिल गया है, 16 में से 1 घटाया है तो आपको 15 मिल गया है, 25 में से आपने 1 सब्सट्रैक्ट किया है तो 24 मिल गया है, 36 में से 1 घटाया तो आपको 35 मिल गया, 49 में से 1 घटाया आपने तो आपको 48 मिल गया, सिमिलरली 64 में से 1 घटाया आपको 63 मिल गया। तो एक पैटर्न अगेन मिल गया, क्या चीज, कि यहां पर 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1। यानी कि पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके का है, जहां पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ रही है। अब यहां पर होगा क्या आंसर, आगे क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर -1,
इक्यासी में से एक घट गया तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 80। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से मिसिंग मतलब गलत कौन सा है, तो रॉन्ग एलिमेंट आपको ढूंढना है कि विच वन इज रॉन्ग। तो आपको देखिए 35 आना चाहिए लेकिन यहाँ पर लिखा है 34, यानी ये वाला है गड़बड़। तो दिस इज मिसिंग एलिमेंट, यहाँ पर 34 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था 35। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या मेथड्स हो गए, एक मेथड हो गया जहां पर आपने एडिशन, सिंपल एडिशन यूज किया, या इसी को बोल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोला जाता है। दूसरा आपने क्या यूज किया, ये देखिए दिस वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक तरीके की, तो आप क्या कर रहे हैं यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज कर रहे हैं। तीसरा तरीका हम लोगों ने देखा था जहां पर कि थर्ड नंबर इज द एडिशन ऑफ फर्स्ट टू, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो एडिशन कर रहे थे तो हमें थर्ड नंबर मिल रही थी। तो इस तरीके के कुछ 3-4 टाइप के हमारे पास क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे इस तरीके की सीरीज में। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये होती है एक तरीके की सीरीज जिसमें हम लोगों ने देखा जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद निकलती है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे हमारे दूसरे तरीके की सीरीज जो दूसरे तरीके की आती है। मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।